हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी थायराइड सप्लीमेंट के बारे में। आप में से कई लोग जानते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने ये बताया है कि आजकल थायराइड को लेकर दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने में आती हैं। पहली आती है ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वही आपके अगेंस्ट जो है आपके बॉडी के ऊपर अटैक करता है, जिसमें अगर वो आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है तो आपका ग्लैंड जो होता है प्रॉपर वर्क नहीं करता और T3 और T4 का सिक्रीशन जो होता है वहीं से नहीं होता, तो आपके ग्लैंड में वो डैमेज करने लगता है आपके ग्लैंड को। और ऐसा नहीं है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खाली आपके थायराइड ग्लैंड पर ही अटैक करता है, आपका इम्यून सिस्टम अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है तो वो आपके और भी जगह पर, जैसे अगर आपको बोन्स के ज्वाइंट पर अगर वो अटैक करता है तो आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके स्कैल्प के ऊपर, बालों के स्कैल्प के ऊपर अगर आपके मॉइस्चर ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करता है तो आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका एजिंग प्रोसेस जो होता है फास्ट हो सकता है अगर आपके स्किन के मॉइस्चर ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ये एक अलग चीज है जिसमें आपका ऑटो इम्यून कंडीशन यानी कि हॉशिमोटो थायराइडिटिस आती है। लेकिन जो दूसरी मेन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी वो है आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि आपको आपकी बॉडी के अंदर आपको थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है आपके अंदर थायराइड का, लेकिन कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो कि बहुत कॉमन है आजकल लेडीज के अंदर भी और वो हो गई है, उसके कारण आपका T3 T4 एंड TSH का जो आपका प्रोफाइल टेस्ट होता है वो सही नहीं आता। अब आप लोग कई जानते होंगे कई बार, जैसे अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली अगर आज मैं थायराइड के बारे में ही बात करूं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी आप जा सकते हैं, और या फिर आप किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लोग जाते भी हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं वहां से। तो आज का जो मेरा जो मैंने चूज किया है टॉपिक वो है न्यूट्रिशनिस्ट का, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर किस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है और किस तरीके से आपके वो हार्म आपकी बॉडी को कर रहे हैं और आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण, तो वो कई तरह के सप्लीमेंट जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, यही काम न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनका होता है। डाइटिशियन जो होते हैं वो डाइट के थ्रू आपका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो कई तरह के वो सप्लीमेंट एडवाइजर होते हैं और वो आपको सप्लीमेंट देते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक होने लगती है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड सप्लीमेंट के बारे में। आपने देखा होगा क्योंकि जिस तरीके से थायराइड का प्रॉब्लम आजकल दुनिया भर में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसी से लेकर उसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारी कंपनियां हैं जो उतर चुकी हैं मार्केट में और आपको थायराइड के सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट आपके सिटी में बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि आप कौन से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और इस तरीके से एकदम अननोइंगली आप कोई भी थायराइड सप्लीमेंट उठाकर नहीं खा सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, आजकल ये मेरा जो वीडियो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन देखिए जाकर कि कौन सा जो थायराइड सप्लीमेंट है बेस्ट है, क्योंकि थायराइड सप्लीमेंट के रेंज के अकॉर्डिंग भी उसकी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर काफी फर्क पड़ता है। तो आप अपनी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा थायराइड सप्लीमेंट है जो आपको सूट कर सकता है या आप अफोर्ड कर सकते हैं उस थायराइड सप्लीमेंट को। उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, इस तरह की जो ये होते हैं सप्लीमेंट जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं थायराइड सप्लीमेंट के अंदर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जो कि आजकल बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन बात है क्योंकि खाने से हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये सब लोग जानते हैं। आजकल वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में या फिर खाने में, अनाज में, उन सब चीजों को उगाने में ही इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल यूज किया जाता है कि जो जो उसकी गुडनेस हम लोगों को मिलनी चाहिए या जो एनर्जी हम लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी, पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है आपकी बॉडी का,
जिसमें आपके सब कुछ हर चीज आपको पता चल जाती है कि वो किस किस रेंज में है। और ज्यादातर लेडीज के अंदर विटामिन B12, इंडिया के अंदर तो खासतौर पे, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे 50% लेडीज जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो 50% आप कह सकते हो कि वेजिटेरियन है। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर अक्सर विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती है। और दूसरी जो होती है वो होती है आयरन की डिफिशियंसी, क्योंकि जैसे लेडीज को पीरियड्स होते हैं तो हर हर वीक उनको, हर मंथ उनको पीरियड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो आयरन का जो लेवल है वो डाउन जाता ही है। तो इस वजह से आयरन की डिफिशियंसी के कारण भी कई बार थायराइड का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो लेपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो आपका पूरा आपको बता देता है कि क्या क्या चीजें आपके अंदर किस किस रेंज में होनी चाहिए और आपके शरीर के अंदर वो रेंज कहाँ तक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है जानने का कि आपके अंदर कहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण तो आपको जो आपका प्रोफाइल टेस्ट आया है थायराइड का वो गड़बड़ है। अगर ऐसा आपको लगता है तो उसके आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप फिर आप अपने लिए कोई भी थायराइड सप्लीमेंट जो है वो चूज कर सकते हैं जो कि आप अफोर्ड कर सके। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि जैसे आप किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहां पर भी आपका खर्चा कम नहीं होता, या फिर आप नॉर्मली भी आप काफी खर्चा कर देते हैं, तो सप्लीमेंट क्या होता है, एक तरह का फूड ही होता है। आप उस सप्लीमेंट को बाय कीजिए और उसको आप यूज करना शुरू कीजिए, उसके बाद आप 3 महीने कम से कम आप उस सप्लीमेंट को लेने के बाद आप उस सप्लीमेंट को रोक दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं किसी भी तरह का, तो आप उसको पूरी जिंदगी रेगुलर आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से कमी होने के कारण प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसी तरह अगर उन न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तब भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि अगर जिंक है और मैग्नीशियम है और आयरन है, अगर ये चीजें अगर ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे कॉपर का आजकल आपने देखा होगा बॉटल्स आती हैं, जग आते हैं, तो इस तरीके से कॉपर के अगर आप बर्तन में पानी पीना शुरू करते हैं तो कॉपर लेने से क्या होता है, जो भी आयरन उसके बाद आप खाते हैं, जैसे अगर आप तांबे के जग का पानी पीते हैं रेगुलर, 3 महीने तक उसको लेना चाहिए, 3 महीने के बाद उसको ब्रेक करना चाहिए। उसके साथ साथ आप आयरन रिच फूड जैसे कि पालक है, चुकंदर है, गाजर है, इस तरह की आप रेड कलर के या डार्क ग्रीन कलर के अगर आप चीजें लेना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, वो आयरन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि आपके अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी नहीं है। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे डी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन डी को लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और इसके ऊपर तो मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया, क्योंकि विटामिन डी के साथ जिंक, मैग्नीशियम, के ये सारी चीजें जो होती हैं ये भी इंक्लूड होती हैं आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, अपने टेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आप अपने खुद के प्रोफाइल टेस्ट करवा के आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सप्लीमेंट को चूज कर सकते हैं, ताकि आप इस तरह की जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, जो थायराइड के सप्लीमेंट होते हैं, जो थायराइड के जो सिंथेटिक हॉर्मोन्स जैसे लिवोथायरोक्सिन है या थायरोक्सिन है, थायरोनोम है, इस तरह की जो सप्लीमेंट जो ये होते हैं दवाइयां एलोपैथिक, उनसे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश आज के वीडियो में बताने की आपको कि किस तरीके से आप अपने सप्लीमेंट को चूज कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से अपने आप को बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को। टिल देन बाय बाय।